सभी दर्शकों का स्वागत है, देखते हैं आज की बड़ी खबर। 12 साल पहले दो धमाके से दहल गया था दीवाना रेलवे स्टेशन। सुनिए घायलों का दर्द उन्हीं की जुबानी। पानीपत प्रत्यक्षदर्शियों ने सुनाया था आंखों देखा हाल। रूह कपा देने वाला था समझौता एक्सप्रेस ट्रेन धमाका। 18 फरवरी 2007 को भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में एक भयंकर बम ब्लास्ट हुआ था। समझौता एक्सप्रेस दिल्ली से अटारी के लिए रवाना हुई और ब्लास्ट पानीपत के साथ लगते दीवाना रेलवे स्टेशन पर हुआ। इस बम ब्लास्ट में प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, जब ट्रेन पानीपत के दीवाना स्टेशन के पास पहुंची तो एक के बाद एक दो बम ब्लास्ट हुए। उसके बाद ट्रेन आग का गोला बन गई। लोग बताते हैं कि ट्रेन रुकते ही दो व्यक्तियों को भी ट्रेन से उतरकर भागते हुए देखा गया। वहीं मामले की कार्रवाई के दौरान इन दोनों के स्केच जारी किए गए। जानकारी देने वाले को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा भी की थी। वहीं पुलिस ने ब्लास्ट के बाद मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान टीम ने ट्रेन से सूटकेस में रखे दो अन्य जिंदा बम बरामद किए। करीब 2 साल की कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मामला पंचकुला के विशेष सीबीआई कोर्ट में पहुंचा। 2011 में एनआईए ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। असीमानंद इस चार्जशीट में मुख्य आरोपी बताया गया। 2014 में सबूतों के अभाव में असीमानंद को जमानत मिल गई। उसके बाद ये केस लगातार कोर्ट में विचाराधीन रहा है। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन धमाका मामले में 7 मार्च को सुनवाई पूरी हो गई और एनआईए कोर्ट ने 11 मार्च को इस पर फैसला सुनाया। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।